हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं आज 11th की केमिस्ट्री। 11th का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 5 लॉज आते हैं। क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, कोई भी एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे, क्या होंगे? कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड। क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं कंपाउंड, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं कि वो किस रेशियो में कंबाइन होंगे, क्या उनके मासेस रहेंगे। तो वो सब कुछ जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि कितने होते हैं, 5 लॉज हैं। तो हम वन बाय वन सारी आज स्टडी करेंगे, सारे लॉज जो है हम डिस्कस करेंगे। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आता है इसके अंदर? पहले मैं आपको बताती हूं कि ये लॉ कहता क्या है। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it states that matter can neither be created nor destroyed. मतलब कि जो matter है, ना तो वो create कर सकता है कोई, ना ही वो destroy हो सकता है। तो देखिए, समझिएगा एक example से कि जैसे कि दो element, एक A element है, एक B element है। ये दोनों एलिमेंट जो है कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एबी, एबी कंपाउंड। ये दोनों एलिमेंट है और क्या बना रहे हैं? एबी कंपाउंड। ठीक है, तो जो इनके मास होंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट, या मैं बोलूं इन दोनों का सम, बेसिकली मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इस साइड के जितने भी रिएक्टेंट है उन सबका मास, और इस साइड के जितने भी प्रोडक्ट है उनका मास। रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कि जो मासेस है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात समझ में आई? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास जो होंगे रिएक्टेंट के सारे, अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यही जो है ये लॉ कहता है। अब हम लेंगे एक एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन का, क्या बन गया? CO2। कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहां पर दो ऑक्सीजन है, कितना मास हुआ? 16 दुनी 32, 16 × 32। इधर अगर मैं बात करूं तो 12 + 32, पता है ना, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन दो है और कार्बन एक है। तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 44। और इन दोनों का सम भी क्या आएगा? 44। यानी इन दोनों के जो मासेस हैं वो इक्वल हैं। बात समझ में आई?
और यही जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। तो देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। पहले देखते हैं कि क्या कहता है। इट स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। देखिए जो ये वाला लॉ है वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, और जो पहले वाला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो दिया था लेवोजियर ने। तो प्राउस्ट ने क्या कहा था, बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा था कि कोई भी जो एक कंपाउंड है उसकी कोई भी जगह हो, आपने उसे कहीं से भी लिया हो, कोई भी उसका सोर्स हो या कोई भी उसका स्रोत हो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका कंपोजिशन सेम रहेगा और उनका मास सेम रहेगा और साथ ही साथ वो एलिमेंट भी सेम रहेंगे। सेम एलिमेंट सेम मास एंड सेम उनका रेशियो। आई बात समझ में? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया इसका कि सपोज करिए मैंने पानी लाने को कहा किसी को, ठीक है, पानी वाटर, क्या वाटर मैंने लाने को किसी को कहा। आपको पता है वाटर क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है वाटर की, केमिकल H2O, ठीक है। अब तीन लोग वाटर लेके आए, ठीक है, फर्स्ट ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए जो वाटर लेके आया वो लेके आया टैप वाटर, ठीक है। बी जो लेके आया वो लेके आया रेनिंग वाटर, बारिश का पानी। सी जो लेके आया वो लेके आया फिल्टर वाटर, या मैं बोलूं आरओ का पानी लेके आ गया वो, ठीक है। मैं लिख देती हूं आरओ वाटर, मतलब तीनों अलग अलग टाइप के वो वाटर लेके आया है, ठीक है। कंपाउंड क्या था हमारा वाटर, फॉर्मूला क्या था हमारा H2O। अब चाहे ए टैप वाटर लेके आया हो, बी रेनिंग वाटर लेके आया हो, या सी आरओ का पानी लाया हो अपने घर से, बट तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, H2O, H2, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इनकम है, क्या देखूं कितने कंपोजिशन में ये बने हुए हैं, कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन यूज में आ रहा है। तो देखिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यूज में आ रहा है, इधर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इधर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहां भी हाइड्रोजन का जो मास है वो टोटल मास 2 है, ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है। बात समझ में आई? इधर भी फिक्स है और इधर भी फिक्स है। पानी चाहे कहीं से भी लाया हो, ए कहीं से भी लाया, बी कहीं से भी लाया, सी कहीं से भी लाया, यही तो ये डेफिनेशन कह रही है। इट स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड, यहां पर गिवन कंपाउंड हमने ले लिया वाटर, ठीक है, ऑलवेज कंटेन, हमेशा कंटेन करेगा एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब कि सेम एलिमेंट होंगे, सेम उनके जो मास होगा और सेम उनकी जो है रेशियो होगी, कंपोजिशन भी इनका सेम होगा, चाहे वो कहीं से भी किसी भी जगह से वो लाए हो, ठीक है। टैप वाटर, रेनिंग वाटर एंड वाटर, आरओ वाटर, डजंट मीन कि आप कहां से लेके आ रहे हो, वो कंपाउंड होगा, उनमें कंपोजिशन सेम होगी, मास भी सेम होगा। तो यही जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस कहता है। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, देखिए क्या कहता है थर्ड लॉ। पहले इसको रब करती हूं मैं। तो देखिए थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ये जो दिया था लॉ वो दिया था डेल्टन ने। क्या कहा था डेल्टन ने, देखते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। डेफिनेशन पढ़ने के बाद आई नो ऊपर से गई होगी डेफिनेशन,
थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा क्योंकि ये डेफिनेशन जो है थोड़ी सी समझने में हार्ड है, लेकिन हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और बहुत इजीली हमें ये समझ में आएगा। तो देखिए क्या कह रही है पहली लाइन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं। मान लिया मैंने यहां पर दो एलिमेंट लिए हैं, पहला लिया है कार्बन, दूसरा लिया है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ले लिया हमने दो एलिमेंट्स, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, दो एलिमेंट मैंने लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब कि जो ये कार्बन और ऑक्सीजन मैंने दो एलिमेंट लिए हैं अगर ये एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है तो। तो कार्बन और ऑक्सीजन टोटल कितने कंपाउंड बनाते हैं देखो यहां पर, इससे बन सकता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी से भी बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहां पर बात पूरी हो गई, दो एलिमेंट हमने लिए वो बना सकता है एक से ज्यादा कंपाउंड। तो आगे क्या कह रहा है ये, द मास ऑफ वन एलिमेंट, पहले हम इनके मास लिख ले मास। तो देखिए यहां पर कार्बन के कितने मास है 12, और कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन हमने लिए हैं तभी तो CO2 बना है, और यहां पर कितना हो गया टोटल 32, क्योंकि ऑक्सीजन एक का 16 तो दो का 32, यहां पर कार्बन 12 और यहां पर ऑक्सीजन कितना आया 16 क्योंकि एक सिंगल। बात समझ में आ गई, बात आई समझ में, बेसिकली है तो दो ही एलिमेंट है ना, कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है, तो हमने सबके मासेस भी लिख लिए। तो देखिए अब हम चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, डेफिनेशन क्या कह रही है आगे, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो मास है किसी एक एलिमेंट का, किस एलिमेंट की बात कर रहा है, यहां पर तो अपने पास दो एलिमेंट है, ये किसी भी एक एलिमेंट के मास की बात कर रहा है, अब वो किस एलिमेंट के मास की बात कर रहा है, दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब कि ये उस एलिमेंट की बात कर रहा है जिसका मास फिक्स नहीं है, और जो जिसका एलिमेंट का मास फिक्स है उसके साथ कंबाइन हो रहा है। जैसे कि यहां पर आप देखोगे दोनों में तो ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है, यहां 32 है यहां 16 है, और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ में जिसका मास फिक्स है, यहां पर भी 12 है यहां पर भी 12 है। बात आई समझ में, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद फिक्स एलिमेंट, ठीक है, यानी कार्बन, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, मतलब कि जो ये ऑक्सीजन है बेसिकली किस रेशियो में है, 32:16 है ना, 32:16 में है, तो जो इनका रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा, यानी कि सिंपल नंबर्स होंगे इनका रेशियो, अगर इसे मैं काटू तो क्या आएगा, 16:16, 16:32, तो 2:1 जो है ये आएगा। दोबारा समझाती हूं, दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये होगा, दोबारा समझाती, देखिए क्या कह रहा है, वापिस समझिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है बच्चों को, इसलिए मैं आपको दोबारा समझाती हूं। देखो समझिए, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन, हियर टू एलिमेंट्स आर, यहां पर दूसरे एलिमेंट्स ले लूं एक बार समझने के लिए, यहां मैंने ले लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हियर टू एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये वन से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। तो देखते हैं, एक तो बनाता है ये H2O, एक ये बनाता है H2O2, ये आपके एनसीईआरटीज में भी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये दो एलिमेंट बनाता है, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट ही बना सकता है। बात समझ में आई, द मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी आप देखो पहले इसके मास निकाल लेते हैं, यहां पर कितना है ये 2 है, हाइड्रोजन का एक है तो 2 का 2, और इधर कितना है ये 16 क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, यहां पर कितना है ये 2 और यहां पर कितना आएगा 32 क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है। तो क्या कह रहा है ये, द मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कितने कितने है, एक तो 32 है 32 ग्राम, एक है 16 ग्राम, अलग अलग है ना, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, यहां पर फिक्स्ड मास किसका है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का नहीं है,
और हम बात कर रहे हैं उस चीज की जिसका मास जो है फिक्स नहीं है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितने कितने मास है, 32 ग्राम एन एम्स, ठीक है। ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, कंबाइंड विच कंबाइंस विच कंबाइंस विद द एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है, कार्बन। मैंने लिख दिया है कार्बन। उसका वेट कितना है, सॉरी कार्बन नहीं हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन। इसका वेट कितना है, कितना है दोनों में 2 ग्राम, टोटल कितना है 2 ग्राम, दो हाइड्रोजन है 2 ग्राम, क्योंकि और ये क्या है फिक्स्ड है। देखो द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द एलिमेंट एच हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम इज फिक्स्ड। कितना है फिक्स्ड है, ये एकदम फिक्स है, एलिमेंट जो है हाइड्रोजन का ये फिक्स्ड है, ठीक है। तब ये क्या कह रहा है, जो ऑक्सीजन का रेशियो है बेसिकली जो कि अनफिक्स्ड है वो कितना है, कितना है यहाँ पर, यहाँ 32 यहाँ 16, यानी 16:32 अगर करोगे तो ये रेशियो आएगा 1:2। बात समझ में आई क्या कह रहा है ये टोटली, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऑक्सीजन जो है वो फिक्स नहीं है, उसका मास दोनों में फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन का जो है मास दोनों में फिक्स है, और सिर्फ ये यही कह रहा है कि जो अनफिक्स्ड मास है किसी भी एलिमेंट का, जो अनफिक्स्ड है मास है, अगर उन दोनों को आप कंपेयर करो तो उसके बीच जो रेशियो आना चाहिए वो सिंपल रेशियो आना चाहिए, यानी 1:2, 1:3, 1:4, ऐसा नहीं कि 7:5, ये कोई सिंपल रेशियो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लगता है टाइम इसको समझने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए ही दो एग्जांपल लिए थे। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। तो देखिए फोर्थ लॉ क्या है, गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये जो लॉ दिया था ये लुसेक ने दिया था। क्या कहता है लुसेक, व्हेन गैसेस रिएक्ट they do so in volume which bears a simple wall number ratio to one another and to the volume of product formed if gases। इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई नो डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसने स्टेट ऐसे ही किया था तो इसे तो हमें पढ़ना है लिखना भी है, पर अगर समझ में आ जाए तो अच्छी तरीके से आप उसे कर पाएंगे। तो देखिए एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको इसका। लिया है यहां पर, क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम, सपोज करिए गैसेस हैं, पहला है हाइड्रोजन प्लस Cl2, क्या बनाएगा ये मिलके HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, हमने कंडीशन दी। बैलेंस कर लेते हैं H2Cl2, तो यहां पर 2 लग जाएगा। ये क्या कहता है लुसेक लॉ, एग्जांपल से समझिएगा। अब बताइए हाइड्रोजन के आगे कोफिशियंट क्या लगा हुआ है, 1। Cl2 के आगे कोफिशियंट क्या लगा हुआ है, 1। और HCl के आगे क्या लगा हुआ है, 2। ये जो लॉ है वो ये कहता है कि हाइड्रोजन से जो मिलकर बना है क्लोरीन, क्या मिलकर दे रहा है हमें, HCl। तो आप जो इनके कॉफिशियंट को जो है वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हो, यानी आप ये लिख सकते हो कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। मतलब कि जो इसके कॉफिशियंट है आप उनको वॉल्यूम के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो। हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके आगे जो कॉफिशियंट था वो 1 था, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है उसके आगे जो कॉफिशियंट था वो 1 था, और HCl का जो मॉलिक्यूल है उसके आगे जो कॉफिशियंट था वो 2 था। आई बात समझ में, आप इसको वॉल्यूम के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो इसके कॉफिशियंट्स को, ठीक है। यही जो है गे लुसेक लॉ ने कहा था, और साथ में ये कहा था जो इन तीनों का जो रेशियो होगा बेसिकली वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर। तो आप देखिए 1:1:2 ये सिंपल होल नंबर है बेसिकली, यही जो पूरी कहानी कह रहा है वो कह रहा है गे लुसेक लॉ। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। व्हेन गैस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन एनोदर
एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इफ गैसेस। मतलब कि जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स थे, जो दोनों गैसेस थी बेसिकली, इन्होंने का जो वॉल्यूम था, जो इनका कॉफिशियंट था बेसिकली, उन्होंने हमने वही वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, वन वॉल्यूम, और जो प्रोडक्ट है हमारा वो निकल के आया टू वॉल्यूम, क्योंकि इसका कॉफिशियंट टू है। और साथ ही इन्होंने क्या बेयर किया हुआ है एक दूसरे के साथ में, सिंपल होल रेशियो, 1:1:2। तो आई होप आपको गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। एग्जाम में आएगा तो आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखना है और आप ये एक एग्जाम्पल लिख के आ जाइएगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ लॉ पढ़ने के लिए, और ये हमारा लास्ट लॉ होगा। अवोगैड्रो हाइपोथेसिस, क्या कहा था एवोगैड्रो ने? ये इसने कहा था कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और सारी फिजिकल कंडीशन, ऑल द फिजिकल कंडीशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट का मतलब सेम रहे, या मैं बोलूं अनचेंज रहे, अगर टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम और रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या लॉ दिया, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर जितनी भी गैसेस हैं उनका अगर वॉल्यूम इक्वल है, किस कंडीशन पे, जब टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट हो, सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस शुड कंटेन, उन्हें कंटेन, उसके अंदर कंटेन होगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है उनके सेम रहेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पर एक मैंने कंटेनर लिया है और ये कितने एमएल का है, 100 ml का है, इसके अंदर मैंने डाला हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो कितने हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स, कंडीशन ले लिया आपने। अब अगर सेम मैंने कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम भी कितना है, 100 ml, और इसके अंदर अगर मैंने डाल दिया ऑक्सीजन गैस या कोई भी गैस अगर मैंने डाल दी, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी कितने रहेंगे, एक्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यही ये लॉ कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर, प्रेशर और जितनी भी फिजिकल कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है उनका जो नंबर है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें है हाइड्रोजन के उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसमें रहेंगे। आई बात समझ में, 100 ml वॉल्यूम है, हाइड्रोजन हमने गैस डाली हुई है, कंडीशन सारी कांस्टेंट है फिजिकल, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके, एक्स, तो उसी वॉल्यूम में 100 ml में अगर हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं गैस को, सेम कंडीशंस है सारी, तो मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, एक्स। आई बात समझ में, यही जो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का कंडीशन है, यही जो है पूरा रोल है। आई होप आपको सारी चीजें आज समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।